कासगंज में पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। चोरी के मामले में वांछित 5,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, 7 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। कब्जे से चोरी किए गए 7,00,000 रुपए के आभूषण, 5,400 रुपए नगद और एक तमंचा जिंदा कारतूस भी पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद किया है। जालौन कालपी कोतवाली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 चरवाहों की मौत हो गई, जबकि 2 चरवाहे गंभीर रूप से झुलस गए। बरसात से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे जानवर को चराने के लिए चरवाहे। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने के चलते घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जाँच के लिए मौके पर पहुंचे SDM और कालपी तहसीलदार ने निरीक्षण किया। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गोरखपुर के व्यापारियों के साथ NXC भवन में बजट पेश होने के बाद पहली बार बैठक व्यापारियों के साथ की और उनसे बात करते हुए नजर आए। भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बीते दिनों बजट पेश किया गया। उस बजट पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कुछ चुनिंदा प्रदेशों को केंद्र की सरकार ने लाभ देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने भी सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी का जवाब आज मीडिया के सामने देते हुए नजर आए। कानपुर में नवाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट के जेवरात, मोबाइल फोन, नकदी समेत मोटरसाइकिल बरामद हुई। गोरखपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस से लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब PM के बाद मृतक का शव तिवरापुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पहुंचा तो परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सूरजकुंड ओवरब्रिज पर शव को रखकर जाम लगा दिया। लोगों ने हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक मुआवजे की मांग की है। कानपुर में CM ग्रिड योजना के तहत कानपुर में 194 करोड़ों की लागत से 4 रोड बनने का प्रस्ताव हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए नगर निगम सभागार में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इलाके के सभी लोग और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और यातायात विभाग के इसको विभाग के कर्मियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सड़क बनाने की योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और उनसे सुझाव लिया गया। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वहीं आज कांग्रेसियों ने मोहब्बत की दुकान के पोस्टर लगाते हुए जय सिया राम आओ के नारे लगे, मोहब्बत की दुकान के नारे लगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गाजियाबाद के संसद का चुनाव लड़ रही डॉली शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया है। वहीं उनके नेता मोहब्बत की दुकान का नारा देकर बताना चाहते हैं कि हम सभी लोग एक हैं। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में इंदिरा मार्केट में रखे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। संभल जिले के बबराला में अग्निवीर योजना को 24 घंटे में खत्म करने के लिए अखिलेश यादव के ऐलान पर सपा सांसद आदित्य यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि NDA की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, एक बैसाखी बिहार और दूसरी आंध्र प्रदेश की है, 6 महीने में ये बैसाखी टूट जाएगी। इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। नेम प्लेट विवाद पर उन्होंने BJP मुद्दा विहीन नाम के पीछे राजनीति बताया। ऋषिकेश के निकट तपोवन में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से होटल में रखा सामान जलकर राख हो गया। जनपद हरिद्वार के थाना श्यामपुरम क्षेत्र से भारी मात्रा में हाथी दांत के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में SDF उत्तराखंड और तराई क्षेत्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर और श्यामपुरम थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। 2 आदत हाथी दांत के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार किए। उत्तराखंड में कांग्रेस शासन के दौरान मंत्री रहे धीरेंद्र प्रताप ने मौसम विभाग के निदेशक को बर्खास्त करने की मांग की है। धीरेंद्र प्रताप का कहना है कि निदेशक तब भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर रहे थे और सटीक साबित नहीं हो रहे थे। एक हफ्ते में 2 बार अलर्ट जारी, स्कूलों को बंद किया गया, जबकि बारिश अलर्ट के दौरान नहीं हुई, जिसमें छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 4 धाम यात्री भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड नहीं आ रहे। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेला के तीसरे चरण में पहुंच गया है, जिसमें डाक कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ियों और बड़े वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्ट प्लान शुरू कर दिया। बता दें, 22 जुलाई को शुरू हुए कांवड़ मेले में अब तक करीब 80,00,000 कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं।
पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज ने जर्जर मटकोटा दिनेशपुर मार्ग पर हो रहे हादसे और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पर फायरिंग को लेकर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया। महाजन ने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल मटकोटा सड़क के पुनर्निर्माण के साथ उसके चौड़ीकरण की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए गड्ढे पाटने का काम कर रहे हैं।